पॉलिसीज बनाने के लिए, उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए. देर आर डिफरेंट बॉडीज और अथॉरिटीज फॉर हायर एजुकेशन इन इंडिया. देर आर लाइक द हायर एजुकेशन कमीशन, अर्लियर इट वॉज UGC, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन AICTE, जो टेक्निकल एजुकेशन से रिलेटेड है, एंड नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन यूनिवर्सिटीज, पार्लियामेंट्री कमिटी ऑफ MHRD. देर आर डिफरेंट काउंसिल एंड कमीशन फॉर प्रोफेशनल कोर्सेज लाइक नेशनल मेडिकल काउंसिल. अभी हाल में जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया था उसको नेशनल मेडिकल काउंसिल बना दिया गया है. फॉर लॉयर्स बार काउंसिल, मैनेजमेंट के लिए काउंसिल्स हैं, एंड समय अलग अलग समय पे गवर्नमेंट जो है अलग अलग कमेटियाँ बनाती है, लाइक कमेटी ऑन ऑटोनोमी ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन MHRD की ये कमेटी थी 2005 में बनाई गई थी. सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन CABE, नेशनल नॉलेज कमीशन 2005 में बनाई गई थी, और यशपाल कमेटी जो कि रिकमेंड करती है क्राइटेरियाज फॉर अपॉइंटिंग वाइस चांसलर इन द यूनिवर्सिटी. यशपाल कमेटी कहती है कि नोबडी विल बी एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ वाइस चांसलर अनलेस अंटिल दे फुलफिल द क्राइटेरिया ऑफ दैट पोस्ट. कोठारी आयोग 1964 में बनाया गया था. दैट ऑल्सो रिकमेंड्स दैट वाइस चांसलर शुड बी फेमस एजुकेशनिस्ट. देर मे बी अ रिलैक्सेशन इन द क्राइटेरिया बट इट शुड नॉट बी मिस यूज. प्रोफेसर अमृत सेन, हम लोग जानते हैं प्रोफेसर अमृत सेन नोबेल प्राइज विनर हैं, तो उन्होंने कहा हायर एजुकेशन इन इंडिया इज नॉट ऑफ क्वालिटी. डॉक्टर नजीब जंग जो भी दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर भी थे, एक्स वाइस चांसलर भी रहे हैं जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी के, वो भी ही ऑल्सो सेज दैट देर इज नीड टू इम्प्रूव हायर एजुकेशन इन इंडिया. प्रोफेसर बीबी भट्टाचार्य, मैं देख रहा था कि JNU के एक्स वाइस चांसलर प्रोफेसर बीबी भट्टाचार्य है, वो कहते हैं इफ यू विल अपॉइंट वाइस चांसलर ऑफ इंटीरियर क्वालिटी देन ही मे नॉट बी एबल टू रन द यूनिवर्सिटी ड्यू टू लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और ही विल रिक्रूट फैकल्टीज ऑफ इंटीरियर क्वालिटी. वो अल्टीमेटली आपकी जो हायर एजुकेशन है उसको एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, इंडिया में जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का आजकल चलन हो गया है, तो देर आर डिफरेंट क्राइटेरिया जो है उसको मैं ये डिस्कस नहीं करता हूँ. डीम्ड यूनिवर्सिटी का भी प्रचलन आजकल इंडिया में बढ़ गया है. नेशनल नॉलेज कमीशन, एक्स प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने नेशनल नॉलेज कमीशन बनाया था इन 2006. उन्होंने भी एक ब्लूप्रिंट तैयार किया था. ए प्रिपेयर्ड ब्लूप्रिंट टू टैप इनटू इनोरमस रिजर्वायर ऑफ आवर नॉलेज बेस सो दैट आवर पीपल कैन कॉन्फिडेंटली फेस द चैलेंजेज ऑफ 21st century बाई इम्प्रूवमेंट इन हायर एजुकेशन. देर वेर 5 की एरियाज. नेशनल नॉलेज कमीशन जो थी उन्होंने एक्सेस, कंसेप्ट, क्रिएशन, एप्लीकेशन एंड सर्विसेज पे उन्होंने फोकस किया था. मैं बहुत शॉर्ट में सर दे रख रहा हूँ. हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, द हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया एक्ट 2018, अर्लियर इट वॉज UGC एक्ट 1956, टू प्रमोट द क्वालिटी ऑफ एकेडमिक इंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ एकेडमिक स्टैंडर्ड्स. हायर एजुकेशन कमीशन has power to recognize, monitor the functioning of universities. It has power to grant the assistance to the universities. It has also power to control the fee of universities. It has also lots of powers. For medical education, higher education की हम बात करें, for medical education in India, now it is National Medical Commission, NMC. Earlier it was Medical Council of India. Medical ये अभी हाल में NMC बिल अभी पास हुआ है संसद से, और इसमें जस्ट लाइक MCI में देख रहा था डिटेल्स में करीब सभी चीज़ एक ही जैसे हैं, थोड़ा बहुत चेंजेस है. और अभी इन्होंने मेडिकल एजुकेशन के लिए जो चेंजेस किए हैं जिसके लिए अभी ये चर्चा थी नीट को लेके, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट नीट जो है, इसमें ये कुछ बदलाव कर रहे हैं, बट स्टिल इट इज़ नॉट क्लियर कि वो क्या बदलाव करना चाहते हैं. और अगले 3 साल में ये हमें धीरे धीरे पता चलेगा. दे हैव एस्टेब्लिश्ड द काउंसिल
फॉर अदर प्रोफेशनल एजुकेशन इन इंडिया लाइक डेंटल एजुकेशन, डेंटल काउंसिल है, आयुर्वेदिक एजुकेशन के लिए आयुर्वेदिक काउंसिल, होम्योपैथिक काउंसिल ऑफ इंडिया है, यूनानी एजुकेशन के लिए यूनानी काउंसिल ऑफ इंडिया एंड नर्सिंग एजुकेशन के लिए नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया और वकीलों के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया है। दीज आर द प्रोफेशनल काउंसिल्स। इसके स्टैंडर्ड को देखने के लिए फॉर एक्रीडिएशन नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन काउंसिल ये UGC ने 94 में एस्टेब्लिश किया था एंड देयर इज ऑल्सो बोर्ड नेशनल एक्रीडिएशन बोर्ड फॉर इंटरनल असेसमेंट ऑफ द क्वालिटी इन इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटीज देयर इज इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल फॉर इंटरनल असेसमेंट। देयर वॉज एस्पार कमिटी इन 2008 एस्पार कमिटी वॉज रिकमेंडेड फॉर इम्प्रूवमेंट इन एजुकेशन इन इंडिया। एस्पार कमिटी रिकमेंडेड क्राइटेरियाज फॉर अपॉइंटिंग वाइस चांसलर, नो बडी विल बी एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ वाइस चांसलर अनलेस दे फुलफिल द क्राइटेरिया। एडवोकेट्स इन एस्पार कमिटी एडवोकेट्स पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन फॉर इम्प्रूवमेंट इन हायर एजुकेशन बट इट शुड नॉट बी फॉर मॉनेटरी बेनिफिट। द सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बिल जो अभी हमने 2019 में जो संसद से पास हुआ है ये बेसिकली जो SC ST OBC जो जो रिक्रूटमेंट में जो रिजर्वेशन को ये ख़त्म कर दिया गया था इलाहाबाद हाईकोर्ट के जिससे उसको फिर से ये बहाल करने के लिए जो ये बिल जून में पास किया गया है ये वापस क्योंकि ये जब रिजर्वेशन ख़त्म कर दिया गया था तो इसकी वजह से जो फैकल्टी टीचर्स के अपॉइंटमेंट थे रिक्रूटमेंट थे ये बंसा पड़ गया था और करीबन 6-7 हज़ार फैकल्टी के पोस्ट ऑल ओवर इंडिया खाली थे। तो हम ये क्योंकि जो शिक्षा की दिशा दशा की बात करते तो फैकल्टी अगर नहीं है अच्छे फैकल्टी नहीं है या है नहीं तो पढ़ाई हायर एजुकेशन वो हमारा ठप पड़ जाता है। तो अब हम ये उम्मीद करते हैं कि ये जो बिल पास हुआ इसके बाद फैकल्टीज की अपॉइंटमेंट होगी। मैं देख रहा था स्टेटस ऑफ यूनिवर्सिटीज एंड हायर इंस्टीट्यूट तो पहले जो हमारे IIT होते थे मेडिकल इंस्टीट्यूट होते थे इनकी वर्ल्ड में रैंकिंग होती थी। जब टाइम्स रैंकिंग पर हम देखते हैं तो कभी 100 कभी 300 में 2-4 इंस्टीट्यूट आते थे। अब जो है लास्ट ईयर से अभी हमारी किसी भी इंस्टीट्यूट की टॉप 100 में रैंकिंग नहीं है। ये भी एक जो हमारी हायर एजुकेशन है क्योंकि इस हायर एजुकेशन में जो लोग हैं ऑलरेडी एस्टेब्लिश लोग हैं तो ये हायर एजुकेशन को किस तरफ क्योंकि बहुत सारी बात हम देखते हैं कि जब हायर एजुकेशन की बात होती है या प्रोफेशनल कोर्सेज की बात होती है तो लोग कहते हैं कि भाई ये रिजर्व कैटेगरी वाले SC ST OBC वगैरह आ गए तो इससे हायर एजुकेशन और या प्रोफेशनल कोर्सेज जो है इसकी जो है डाइल्यूट हो गई। मगर आप देखें जो प्रोफेशन में बने हैं तो इन्होंने हायर एजुकेशन को किस तरफ ले गए कि जो वर्ल्ड की रैंकिंग है उसमें अभी हमारी कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं है। मैं देख रहा था ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो GER ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो है इंडिया का अभी जो है अराउंड 28% है। जब हम कंपेयर करते हैं USA से तो USA का GER 84% है और UK का अराउंड 59% है। इंडिया एक्सपेंसेस 1% ऑफ इट्स GDP ऑन हायर एजुकेशन एज कम्पेयर टू US एक्सपेंसेस 3% ऑफ इट्स GDP ऑन हायर एजुकेशन। स्टेटस ऑफ रिजर्वेशन इन एडमिशन इन प्राइवेट कॉलेजेस प्राइवेट हम गवर्नमेंट कॉलेजेस में तो जानते हैं कि एडमिशन में रिजर्वेशन है प्राइवेट कॉलेजेस में क्या स्टेटस है तो प्राइवेट कॉलेजेस में भी गवर्नमेंट ने पॉलिसीज बना रखी है। टाइम टू टाइम सुप्रीम कोर्ट और डिफरेंट हाई कोर्ट के भी डिसीजन आते रहते हैं और प्राइवेट इंस्टीट्यूट में भी जो एडेड हैं और आइदर अनएडेड हैं वहाँ पर भी आरक्षण का प्रावधान है एडमिशन में। अब हम देखते हैं कि एजुकेशन जो है हायर एजुकेशन जो आखिर इतना डिटोरिएट क्यों करता जा रहा है तो बेसिकली हम ये देखते हैं कि देर इज लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली लैक दिस इज द मेन रीजन लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। देर आर डिफरेंट पोस्ट ऑफ फैकल्टीज प्राइवेट कॉलेजेज और इंस्टीट्यूट हैं उसकी जो फैकल्टीज हैं देर आर ऑफ बिलो स्टैंडर्ड बिलो बेंचमार्क मोस्ट ऑफ द
एंड सम प्राइवेट इंस्टीट्यूट ऑफ कॉलेजेस दे फेवर्स वो फेवर करते हैं मीन्स वो पार्टिकुलर कास्ट रीजन एंड सम बैकग्राउंड नंबर ऑफ कॉलेजेस समटाइम्स सी नंबर ऑफ कॉलेजेस एफिलेटेड टू सिंगल यूनिवर्सिटी इज मोर देन 300, 400, 500 इन यूपी सम यूनिवर्सिटीज हैव 400, 500 कॉलेजेस एफिलेटेड टू देर इज decreasing number of classes per year. UGC, it was the recommendation of UGC to for 180 days per year. Now, many लगता है कि 180 दिन में इनके क्लास होते भी होंगे. Budget allocation. जो UGC जो budget allot करती है, उसमें most of the जो budget है, वो central universities को चली जाती है. State universities को कम मिलते हैं. सेमेस्टर सिस्टम गवर्नमेंट ने इम्प्रूव करने के लिए सेमेस्टर सिस्टम भी लाया बट नाउ अभी तक किसी भी यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर सिस्टम अच्छे से लागू नहीं है. देयर इज मोर इन्वेस्टमेंट इन प्राइवेट सेक्टर. आजकल प्राइवेट सेक्टर में मेडिकल कॉलेजेस इंजीनियरिंग कॉलेजेस अदर प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट एंड जनरल इंस्टीट्यूट जो है जनरल एजुकेशन के लिए बहुत सारे खुल गए हैं और उसकी फी जो है फी भी हाई है. तो इसमें भी हमें देखना है कि हमारे जो लोग हैं उस फी स्ट्रक्चर को कैसे ये पे कर पाएंगे. अब इसके उपाय क्या है तो क्योंकि जो रीजन्स हैं अगर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर अगर की फोर्सेज ये सब अगर भर दी जाती हैं अगर फुलफिल कर दी जाती है तो एक प्रॉब्लम तो ये सॉल्व हो जाएगा. एंड आज के 21st सेंचुरी में जब हम एजुकेशन को देखते हैं तो हमें फॉरेन यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूट से भी कोलेब्रेशन की ज़रूरत है. तो इसके लिए फॉर रनिंग न्यू कोर्सेज एंड फॉर इम्प्रूविंग द पैटर्न ऑफ टीचिंग एंड फॉर ट्रेनिंग ऑफ फैकल्टीज थ्रू एक्सचेंज प्रोग्राम्स देयर इज ए स्टैंडिंग कमेटी रिपोर्ट ऑन हायर एजुकेशन में इसको समय कम है तो अंडर चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर सत्यनारायण जाटिया 2017 में एक स्टैंडिंग कमेटी MHRD की बनाई गई थी. देयर वाज ए रिकमेंडेशन ये वेब पे अवेलेबल है मैं इसको नहीं ये कर रहा. वी हैव न्यू एजुकेशन पॉलिसी रिसेंटली वी हैव न्यू एजुकेशन पॉलिसी इन 2019. फॉर दैट द कमिटी वाज कॉन्स्टिट्यूशन अंडर चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर के कस्तूरी रंगन. फाइनल रिपोर्ट जो है इस साल 2019 में आया है और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है ये एड्रेस करता है चैलेंजेस ऑफ एक्सेस इक्विटी क्वालिटी अफोर्डेबिलिटी अकाउंटेबिलिटी ऑफ करेंट एजुकेशन सिस्टम. नाउ थैंक यू टू यूथ फॉर सोशल जस्टिस स्पेशली सुरेंद्र जी फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी. थैंक यू. अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले.